हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करुच्छी आचीपुर यूट्यूब चैनल को। मुँह गौतम फ्रेंड्स, आचीपुर यूट्यूब चैनल आपन ओडिशा गवर्नमेंट रो जेकोनो सी एग्जाम पे आपन निजको प्रिपरेशन करि परिबे, जेकोनो सी वीडियो मध्ये आपन पाई परिबे निजको प्रिपरेशन करबा पाई। समस्त वीडियो आपनकर एग्जाम पे छडा जाय थाय आपन प्लेलिस्ट मध्ये चेक करि परिबे। आपन जेकोनो सी एग्जाम पे प्रिपरेशन करूचंती तार प्लेलिस्ट आपनक पाखरे पहुंचि जिवो। आपन कॉन्ट्रेक्चुअल हाई स्कूल टीचर कथा कोंतु बा जोटा कि रेगुलर टीचर हे जायछि, रेगुलर हाई स्कूल टीचर किबा उड़िया ग्रामर इंग्लिश ग्रामर सीजीएल पे बहुत गुडी वीडियो आपन मानक पे पोस्ट हे कि रहिछि, एवं वीडियो कथा आपनक मु देखे दूची। देखो आप नोटिफिकेशन रही इंडियन इकोनॉमी ज्योग्राफी इंटरनेट अवेयरनेस जोड़ा कि आप कंप्यूटर रिलेटेड इंडियन नेशनल मूवमेंट ता सहित आप रीजनिंग पार्ट रखा जाऊँगी। ओके, वर्ल्ड ज्योग्राफी मॉक टेस्ट रखा जाऊँगी रीजनिंग आप देखिपे। समस्त प्रकार वीडियो आपण छड़ा जाऊँ, तेणु आपड़ आम सहित जोड़ ही पारे मात्र चैनल को सब्सक्राइब करके ही। आम पाखे 3,000 रु अधिक सब्सक्राइबर हो सारे आप लक्ष्य करेंगे मात्र कम दिन में आपंकर सब्सक्राइबर आपंकर भिवर मान द्वारा पसंदित होती। जदि आप आम चैनल नुआ अच्छा निहाती भाव आम सहित जॉइन हो पारे। जीवा आम आज टॉपिक जो रही ये पिलर नंबर क्या था? तो तुमने पिक्चर ली थी? पिक्चर तू मैं नहीं चल रही है सब उठा के। हमारा टॉपिक जो आज रही लैंडफॉर्म बाबत रे। ओके, लैंडफॉर्म बाबत रे आज मैं जानिबा वर्ल्ड ज्योग्राफी रो एटा रहइबो पार्ट नंबर 5। आपनकर चारोटी मेजर लैंडफॉर्म जदि आमे कहिबा चारोटी आपनकर फोर मेजर लैंडफॉर्म जदि आमे कहिबा गुटे होची माउंटेन हिल्स एवं प्लेट्यू, आउ गुटे होची आपनकर प्लेन एरिया रहइबो। ओके, माउंटेन हिल्स प्लाट्यू एवं प्लेन एरिया ए चारोटी मेजर लैंडफॉर्म आम कही पार। व्हाट इज फोल्ड माउंटेन? फोल्ड माउंटेन रो अर्थ कौन? फोल्ड माउंटेन आम क्या कहवा ये जो फोल्ड माउंटेन फॉर्म होता है कौन पाई ना कंप्रेसिव फोर्सेस जहाँकि एंडोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक हूँ जोटा कि आभ्यंतरीण शक्ति पृथ्वीर आर्थ रभ्यंतरीण शक्ति आम कौन कही था एंडोजेनेटिक जोटा बाह्य शक्ति दैट इज आपर एक्सोजेनेटिक शक्ति आम कही था। एंडोजेनेटिक फोर्सेस गुड़िक के दैट इज आपर आर्थक्वेक कहवा लैंडस्लाइड कहवा दैट इज आपर सुनामी दिस टाइप ऑफ दिज आर एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ओके, लैंडस्लाइड आर्थक्वेक ओके युड़ हूँ आपर एंडोजेनेटिक। ये जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस द्वारा कौन होता है ना कंप्रेसिव फोर्स जेनेट होता है जहाँफल कि फोल्ड माउंटेन आपर या फोल्ड माउंटेन आम उदाहरण कौन दबा आम एशिया महादेश बड़ जोटा रही बड़ पर्वतमाला हिमालय दे पार आल्प पर्वतमाला आंडीज रकीज और आटलास एति जो आम जानते ये पर्वतमाला गुड़िक रहा ये सब कौन ना फोल्ड माउंटेन आम कही पार। आपणकर आरावली भी गोटे फोल्ड माउंटेन ये कितु हूँ कौन ना ये हूँ ओल्ड फोल्ड माउंटेन ये हूँ पुराणा फोल्ड माउंटेन ये हूँ ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ओके फ्रेंड्स, यार पीडीएफ जदि आप पाइबा चाहूँ आमर पीडीएफ ब्याच गुटे आरंभ करवल आपको पीडीएफ रेटेरियाल मिलजिव जो थी कि आपंकर जनरल अवेयरनेस पाइबे करेन्ट अफेयर पाइबे कंप्यूटर एवं इंटरनेट अवेयरनेस आपको डाटा और मेटेरियाल आपको समस्त प्रकार जोगे दिजिव। आउ आपर जो मैथ और रिजनिंग कथा जदि आप कहे जदि आप मेसेज करती कमेंट करती निहाती भाव में तार ब्याच आप आरंभ कर दिजिव। केवल एपणकर जो पीडीएफ रही जहाँकि आप भिड दूचु से पीडीएफ आप अति कम पैसा देकि 100 टकर कम भितर आप रखा जाऊँगी जोटा कि आपंकर सटरडे अर्थात आपंकर 31/12/2022 रु आरंभ होगा जाऊँगी ताप निश्चित भाव में चेक करेंगे। आम कम्युनिटी टैब आपको छाड़ दिजिव और टेलीग्राम चैनल जो रही ग्रुप से आपको इनफर्मेशन दे दिया जदि आप टेलीग्राम चैनल बर्तमान सुधा जॉइन करना डिस्क्रिप्शन लिंक रही है टेलीग्राम चैनल निश्चित भाव जॉइन करें। आमर तले सभा तले आपर डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर दि जाए आपको कंटाक्ट करें मेसेज करें। चलते जावा आगे यंगेस्ट माउंटेन आम कौन कह वर्ल्ड सब यंगेस्ट ओल्ड फोल्ड माउंटेन दैट सरी फोल्ड माउंटेन सी हूँ आम किए ना हिमालय हिमालय यंगेस्ट माउंटेन किंतु ओल्ड माउंटेन जदि आम कह भारत दैट इज आपर आरावली आरावली हूँ ओल्ड माउंटेन। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड जदि आम तो यंगेस्ट जानी हिमालय किंतु ओल्डेस्ट माउंटेन इन वर्ल्ड कौटा कौन दैट इज आपर पेनिनेस जोटा कि यूरोप अच्छी दैट इज आपर आपलचियांस जोटा कि आपर आलास्का पार्टे रही है आपलचियांस हूँ आलास्का पार्टे रही यूएस इंडिया जदि आम कह आरावली जो कथा आपको कहते ब्लॉक माउंटेन एग्जांपल गुड़िक के ब्लॉक माउंटेन दैट इज आपर नर्मदा ताप्ती एवं दामोदर भैली जो रही दैट इज आपर गोटे गोटे ब्लॉक माउंटेन एग्जांपल अर्थात नर्मदा जो नदी बोई ताप्ती नदी बोई दामोदर नदी बोई से गुड़िक सब ब्लॉक माउंटेन देखिए
ये जो ब्लॉक माउंटेन देखी जाइए दैट इज आपर रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली क्रिएट करता है। गोटे आपर वेस्ट एटी आप गोटे क्वेश्चन आसी जे एमानक मध्यरु किए रिफ्ट वैली देकी प्रभावित होता है, रिफ्ट वैली देकी प्रभावित होता है नर्मदा नथिला ताप्ती नथिला आपनकर ऑप्शन कोन थिला दामोदर थिला, एगुडी आपन मन रखिबा पई पडिबो। एवं जेतिके भी क्वेश्चन आम द्वारा दिया जाउछि प्रत्येकटी क्वेश्चन आपनक पई इम्पोर्टेंट रहइबो एवं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इम्पोर्टेंट निश्चित आपर क्वेश्चन आपनक फेस करिवे। व्हिच माउंटेन्स आल्सो कॉल्ड एज माउंटेन्स ऑफ एक्युमुलेशन, केउ माउंटेन को कोआ जाउछि माउंटेन्स ऑफ एक्युमुलेशन केउ माउंटेन को कोआ जाउछि दैट इज आपनकर वोल्केनिक माउंटेन को कोआ जाउछि, वोल्केनिक माउंटेन को आपनकर कोआ जाउछि कोन माउंटेन ऑफ एक्युमुलेशन। जदि वोल्केनिक माउंटेन आमे एग्जांपल दबा आपनकर जापान जानिथिबे जापान आपनकर बेसी परिमाणर कोन होइता वोल्केनिक इरप्शन होइता जापान आपनकर गुटे रहिछे फुजियामा, फुजियामा ये गुटे आपनकर माउंटेन रहिछे दैट इज आपनकर काउथिरे ना एटा को माउंटेन ऑफ एक्युमुलेशन बा एगुटिक होछि कोन वोल्केनिक माउंटेन्स बोली आमे कहि परबा वोल्केनिक माउंटेन्स। ओके वोल्केनिक माउंटेन्स काहेकि ना एगुड़िक वोल्केनिक इरोशन द्वारा ही ये सब सृष्टि होती आउ कौन कौन वोल्केनिक माउंटेन एग्जांपल रहइबो आपनकर माउंट फुजियामा जोटा कहली जापान रे, कोटोपाक्सी होची आंडीज रे, माउंट माउंट मेयोन, माउंट मेयोन जोटा कि आपनकर फिलिपाइन्स रे मन रखिए माउंट मेयोन। ओके माउंट मेयोन जोटा एटा कोठी रहिछे फिलिपाइन्स रे जोटा कि वोल्केनिक इरप्शन ही ये कौन है ना सृष्टि होती। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन केमिति आपनकर फॉर्म होइता है काहा केउ कारण रु फॉर्म होइता है दैट इज इरोजन ऑफ प्लैटियूज, जो प्लैटियू आपनकर रहिची माने मालभूमि अंचल बाळ अंचल आमे कोइ परबा आ से जो बाळ अंचल बा जो अंचल रहला प्लैटियू रहला प्लैटियू रो जतेकले अवक्षय घटुची इरोजन घटुची सेतरो आपनकर रेसिडुअल माउंटेन आपनकर तयारी होउची। रेसिडुअल माउंटेन काहा द्वारा तयारी होते दैट इज इरोजन ऑफ प्लैटियूज, इरोजन ऑफ प्लैटियूज। रेजिडुअल माउंटेन आपनकर एग्जांपल कोन कोन सब रहइबो आपन नीलगिरी जोटा कि साउथ इंडियन नीलगिरी पार्ट रहला आउडाला पार्सनाथ आउडाला राजमहल हिल्स हला कि ए तीनटा आपनकर कोथिरे जाउछे दैट इज आपनकर रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल माउंटेन आपनकर कमिति गठत होइता बा केमिति फॉर्म होइता दैट इज आपनकर केमिति फॉर्म होइता ना दैट इज आपनकर इरोजन ऑफ प्लैटियूज, इरोजन ऑफ प्लैटियूज रे ताहा गठन होई थाय। रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड बाय, रिफ्ट वैली आपनकर केमिति गठित होइता है सेठ पचार से रिफ्ट वैली आपनकर केमिति गठे जदि पचरा जाय रिफ्ट वैली केउ को नदी प्रवाहित होउछती मन रखिबे नर्मदा आउडाला आपनकर ताप्ती आउडाला आपनकर दामोदर, दामोदर होउछी जोटा कि बिहार, बिहार। ओके बिहार देख जायछि बिहार वेस्ट बेंगल जोटा कि आमर बिहार दामोदर होउछी आपनकर वेस्ट बेंगल रो बा पश्चिम बंगर दुख बोली कहिथांति हालांकि माने बन्या प्रभावित करिथाय दामोदर नदी। रिफ्ट वैली आपनकर केमिति ते ना फॉल्टिंग पाई, फॉल्टिंग पाई आपनकर रिफ्ट वैली कोन हेतै ना गतियारी होई थाय। पृथ्वीर सबुटारु हाईएस्ट प्लेटर नाम कोन क्वेश्चन आसीछि पृथ्वीर सबुटारु हाईएस्ट प्लेटर नाम कोन दैट इज आपनकर तिब्बतन प्लेटु तार हाइट केते दैट इज आपनकर 5000 मीटर, 5000 मीटर हला केते हिजबो 5 किलोमीटर हाइट होता है हेला कि सबुठार हाएस्ट प्लेटू पृथ्वी वर्ल्ड हाएस्ट प्लेटू दैट इज तिब्बतन प्लेटू 5000 मीटर। व्हिच प्लेटू आर फॉर्म्ड बाय अर्थ मूवमेंट आमर क्यों प्लेटू गठित होता है अर्थ मूवमेंट पाई, अर्थ मूवमेंट जो ही ये गठित होता है क्यों प्लेटू गठित होता है दैट इज आपर टेक्टोनिक प्लेटू, टेक्टोनिक प्लेटू जो अर्थ मूवमेंट करते टेक्टोनिक प्लेटू फॉर्म होता है। जदि तार आमे एग्जांपल दबा टेक्टोनिक प्लेटो रो जोटा कि तिब्बतन प्लेटो जोटा कि हाईएस्ट प्लेटो वर्ल्ड रो 5000 मीटर हाइट रो जोटा कि केउटी रहिछि ना बिटवीन हिमालय एवं कुनलुन, कुनलुन एवं हिमालय मझिरे रहिछि एवं बोलिभियन प्लेटो, बोलिभियन प्लेटो का का मझिरे रहिछि दैट इज आपनकर दुईटी टू रेंजेस बिटवीन टू रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड रो दुईटी रेंज भितर आपनकर कोन रहिछि ना बोलिभियन प्लेटो, तिब्बतन प्लेटो हिमालय एवं कुनलुन भितर रहिछि एवं बोलिभियन प्लेटो दुईटी रेंज भितर रही है पृथ्वी। ओके जोटा कि अर्थ मूवमेंट द्वारा ही गठित होता है। व्हिच प्लेटू आर फॉर्म्ड बाय एक्युमुलेशन ऑफ लाभा आम एक्युमुलेशन ऑफ वोल्केन्स जानी ने कौन दैट इज आपर वोल्केनिक, वोल्केनिक माउंटेन्स सी पचारिचे आमको क्यों प्लेटू गुड़िक जोटा कि एक्युमुलेशन ऑफ लाभा द्वारा ही तैयारी दैट इज आपर वोल्केनिक प्लेटू सी हूँ डेकान प्लेटू जो भारत डेकान प्लेटू रही सेटा हो जे आपनकर एक्युमुलेशन ऑफ लाभा द्वारा ही तयार होई छि डेकान प्लेट। द प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स जो समतल भूमि रहला तीनोटी पार्ट रे विभक्त सेगुडी को कोन कोन गोटेला स्ट्रक्चरल
इरोजनल आउ रहा डिपोजिशनल। स्ट्रक्चरल कौन जोटा कि निजे निजे ही तैयार हुई तैयारी होती है आपंकर मट्टी कहतु आप उद्भिद कहतु प्राणी जव्यांश रमी मूर्ति का तैयार होती है। इरोजनल हूँ अवक्षय द्वारा, डिपोजिशनल हूँ जमा है नदी कि गोटे आप सुनामी आसला कि आपंकर नदी बढ़ी आसगला सही आपंकर मूर्ति कौन जा डिपोजिट हुए, डिपोजिट हो प्लेन तैयार हुए, दैट इज डिपोजिशनल प्लेन्स। एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल प्लेन, स्ट्रक्चरल प्लेन एग्जांपल कौन रही है जो यूएस जो ग्रेट प्लेन रही है सी हूँ आपंकर कहार उदाहरण ना स्ट्रक्चरल प्लेन उदाहरण। इरोजनल प्लेन आपंकर कौन उदाहरण आसो ना प्लेन ऑफ नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ कनाडा जो प्लेन दैट इज आपंकर इरोजनल प्लेन। डिपोजिशनल प्लेन हूँ आपंकर इंडो गंगा प्लेन, आपण जो भारत जो नॉर्थ साइड आप देखिए जो जोटा गंगा प्रवाहित होती है ये पार्ट आपंकर कौन रही है ना आपंकर प्लेन एरिया देखा मिले सबुज आपंकर समतल भूमि देखा मिले चित्र मानचित्र जो देखिए एगुड़िक ग्रीन कलर रे दिया जाए से गुड़िक हूँ कौन आपंकर इंडो गंगा प्लान, इंडो गंगा प्लान जेगुड़िक हूँ तार उदाहरण हूँ कह रहा डिपोजिशनल। जदि आपको स्ट्रक्चरल कथ पचारे आपंकर ग्रेट प्लेन यूएसए, इरोजनल कथ पचारे आपंकर प्लेन ऑफ नॉर्थ कनाडा, डिपोजिशनल हूँ इंडो गंगा प्लेन। तापर आम जी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी गोटे गुरुत्वपूर्ण अंश एक इंपोर्टेंट पार्ट आम कही पार। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कहले आम कौन बुझे आम एटमॉस्फेयर आम ही जोटा कि एक बहलिया गैसियस एनवलप रही था जोटा कि आम पृथ्वी चारिपटे एक बहल आस्तरण आम कही पार। पृथ्वी चारिपटे एक बहल आस्तरण को आम कौन कही था एटमॉस्फेयर कही था। ओके जो आस्तरण रही जो मंडलीटी रही जो बहल आस्तरण रही आपंकर कौन पर रही हूँ ग्राविटेशन फोर्स ही टाणिकी धरिकी रखी। जदि ग्राविटेशन फोर्स आर्थर न था ये जो आत्मस्फियर जो वायुमंडल बहल आस्तरण आम सहित जोड़ी हो रहा ना। आटमस्फियर एक्सटेन्स बिटवीन 60 किलोमीटर टू 29,000 किलोमीटर फ्रम द ये जो 16 किलोमीटर रु 29,000 किलोमीटर पर्यंत जो आटमस्फियर व्याप्त हुई केउठर एटा जेते माप हुए सबुबेले सी लेवल। सी लेवल कौन ना आपंकर समुद्रर समुद्र पतन उड़िया आम कही था समुद्र आम जानते पानी आपंकर कौटी रही है खालुआ स्थान रही था खालुआ स्थान अर्थात जीक उच्चा समुद्र पा जी उच्चार रही उच्चार आपंकर कौन सेठ ही माप करा जाए सेठ आप 16 किलोमीटर 2300 किलोमीटर पर्यंत आटमस्फियर एक्सटेंड हो। 97% ऑफ इफेक्टिव आटमस्फियर कंफाइन्स विद इन द हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस। जो आम जब कही पार आटमस्फियर 97% जो वायुमंडल जो वायु रही साधारण 29 किलोमीटर पर्यंत पूरा मान कौन घंच रही आस्तरण पतला है 29 किलोमीटर 97% व्हिच गैस ऑल्सो एसेंशियल फॉर कंबुजन ऑफ बर्निंग मैटर। आम ये पचारिचे आमको जल्बारे किए साय कमर अक्सीजेन साय कौटा कि एयर केते परसेंट रही था ना 21% रही था 21% रही था अक्सीजेन वायुमंडल। व्हिच गैस अब्सॉर्ब्स यूवी रे अर्थात अल्ट्राभायोलेट रेडिएशन जोटा कि आम कौन कह यूवी रे बोली कह सेव करे बायोस्फीयर को यूवी रे को अब्सॉर्ब करके बायोस्फीयर को सेव करे दैट इज आप कौन ना ओजोन गैस। ओजोन गैस कौन करे ना यूवी रे को मान कौन अब्जर्व करके बायोस्फीयर को सेव करता है। व्हाट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एटमॉस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर्यंत नाइट्रोजन गैस केते परसेंट रही दैट इज आप 78% रही है केते परसेंट रही 78% व्हिच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर सब लोएस्ट लेयर केउटी दैट इज आप ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर आपको मुझे कही रखुचे ट्रोपोस्फीयर स्ट्राटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर स्ट्राटोस्फीयर मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर एक्सोस्फीयर एक्सोस्फीयर है ये सीरीयल टी आप मन रखिए ट्रोपोस्फीयर स्ट्राटोस्फीयर मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर ये सीरीयल टी आप मन रखिए जोटा कि वायुमंडल को क्यों स्फीयर टी लगे ना ट्रोपोस्फीयर लगे है लोएस्ट एयर गोटा के ना दैट इज आप ट्रोपोस्फीयर। थिकनेस वेरीज ऑफ ट्रोपोस्फीयर फ्रॉम द पोल्स टू इक्वेटर है आपंकर जो वायुमंडल बहलता पोल रु इक्वेटर पर्यंत तार जो थिकनेसटा बहलता भेरी करुचे केते रु केते किलोमीटर पर्यंत ना 8 रु 16 किलोमीटर पर्यंत भेरी करिवो तापर आपनकर समान समान आसी जेबो। ओके व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेंपरेचर। नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेंपरेचर केते ना आपनकर जते बेला आपन ऊपर को जते जिबे 165 मीटर आपनकर गोटे डिग्री सेल्सियस कोन होबो ना कमियो -1 डिग्री सेल्सियस हिजो। ओके
এবং 6.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর কিলোমিটার। যদি আমি কিলোমিটার হিসাব করিবা তার প্রতি কিলোমিটার আপনার 6.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস কোণ হব টেম্পারেচার মাইনাস হব। হুইচ লেয়ার সেপারেটস দ্য ট্রপোস্ফিয়ার ফ্রম দ্য স্ট্রাটোস্ফিয়ার, ট্রপোস্ফিয়ার রু স্ট্রাটোস্ফিয়ার কু কেউ লেয়ারটি অলগা করছে সেটা হচ্ছে আপনার ট্রপোপুজ, ট্রপোপুজ আপনার অলগা করিথায় ট্রপোস্ফিয়ার রু স্ট্রাটোস্ফিয়ার। হুয়েন ডজ দ্য থিকনেস অফ দ্য ট্রপোস্ফিয়ার ইনক্রিজ, ইনক্রিজ কেতবে আপনার ইনক্রিজ হইতা ট্রপোস্ফিয়ার আর থিকনেসটা আপনার সময়, সময়ে আপনার থিকনেসটা আপনার সাধারণত ইনক্রিজ হইতা ট্রপোস্ফিয়ার থিকনেসটা। হুইচ লেয়ার কন্টেন্স অল ওয়েদর ফেনোমেনন, কেউ কেউ আপনার স্পিয়র বা কেউ লেয়রটি আটমোস্ফিয়ার ওয়েদর পানিপাগ বিষয়ে আমি জাঁপার, ওয়েদর ফেনোমেনন বিষয়ে আমার ধারণা রয়েছে দ্যাট ইজ আপনার ট্রপোস্ফিয়ার, ট্রপোস্ফিয়ার আমি পানিপাগ বিষয়ে জাঁপার। ইন হুইচ লেয়ার অফ দ্য আটমোস্ফিয়ার অল দ্য ওয়েদর চেঞ্জেস টেক প্লেস, পানিপাগ পরিবর্তন ঘটি থাকে কেউটি না ট্রপোস্ফিয়ারে হি ঘটি থাকে, মনে রাখবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ট্রপোস্ফিয়ারে হি পানিপাগ পরিবর্তন মধ্য ঘটি থাকে। হুইচ লেয়ার এক্সটেন্ডস অপ টু অ্যাবাউট 50 কিলোমিটার, 50 কিলোমিটার পর্যন্ত ব্যাপ্ত, ইয়ে আপনার কত পর্যন্ত রহব 16 কিলোমিটার আর 20 কিলোমিটার ভিতরে আপনার ব্যাপ্ত হচ্ছে ট্রপোস্ফিয়ার। কিন্তু যদি আমি কহিবা পৃথিবী পৃষ্ঠ বা সমুদ্র পতনর আপনার 50 কিলোমিটার পর্যন্ত ব্যাপ্ত হচ্ছে কে না স্ট্রাটোস্ফিয়ার, স্ট্রাটোস্ফিয়ার আপনার 50 কিলোমিটার পর্যন্ত ব্যাপ্ত। ইন হুইচ লেয়ার ডজ দ্য ওজন অ্যাবজর্ব হার্মফুল আল্ট্রাভায়োলেট রে, অর্থাৎ আমি যদি কহিবা ওজন আপনার কোউট রয়েছে, ওজন আপনার স্ট্রাটোস্ফিয়ার রয়েছে, আপনার গোটে ব্যাড ওজন রয়েছে আর গোটে আপনার গুড ওজন রয়েছে। যেতবে আপনার ওজনটি ট্রপোস্ফিয়ারে দেখা দেলা সেটা হচ্ছে আপনার ব্যাড ওজন, কোটি দেখা যাব ট্রপোস্ফিয়ারে, যদি তা স্ট্রাটোস্ফিয়ারে দেখা যাব তাহা হচ্ছে আপনার গুড ওজন। ওকে এটা মনে রাখবে, গুড ওজন কোন পাই স্ট্রাটোস্ফিয়ারে না স্ট্রাটোস্ফিয়ারে গুড ওজন কোন করে না সূর্যঙ্ক ঠারু যে ইউভি রে অল্ট্রাভায়োলেট রে বা অতি বাইগণি রশ্মি যে আসি থাকে তাকে সিয়ে শুষি নেই থাকে, অবজর্ব করে নেই থাকে, যা ফলরে তাহা পৃথিবী পৃষ্ঠরে পড়ি নথায়, যা ফলরে আম শরীরে আমার যে বিভিন্ন প্রকার স্কিন ডিজিজ যেমিতি কি স্কিন ক্যান্সার মধ্যে দেখা যাই থাকে সেতিরু মানুষ কোন রক্ষা পাই পারি থাকে। হুইচ লেয়ার কন্ডিশনস আর আইডিয়াল ফর ফ্লাইং অফ জেট এয়ারক্রাফ্ট, আপনার কেউ লেয়ার আপনার কেউ লেয়ার কন্ডিশন আপনার দরকার যে আমি ফ্লাইং জেট বা জেট এয়ারক্রাফ্ট উড়াউছেন কেউ কেউ লেয়ার আমার দরকার দ্যাট ইজ আপনার স্ট্রাটোস্ফিয়ার দরকার, স্ট্রাটোস্ফিয়ার। হুইচ লেয়ার ইজ ফ্রি ফ্রম ডস্ট পার্টিকল, ডস্ট পার্টিকল আপনার কেউ লেয়ারটি পুরা ফ্রি রয়েছে না স্ট্রাটোস্ফিয়ার, সেপাই আপনার যে জেট এয়ার আপনার রয়েছে বা জেট এয়ার আপনার রয়েছে কিন্তু ডস্ট পার্টিকল আপনার ট্রপোস্ফিয়ার বহুত মাত্রা রয়েছে। ইন হুইচ লেয়ার অফ দ্য আটমোস্ফিয়ার মেন্টেন্স এন অলমোস্ট ইউনিফর্ম হরিজন্টাল টেম্পারেচর, গোটে স্থির টেম্পারেচর গোটে স্থিরতা বজায় রাখে সে হচ্ছে কি দ্যাট ইজ আপনার স্টারি স্ট্রাটোস্ফিয়ার মেন্টেন করে, হরিজন্টাল ইউনিফর্ম টেম্পারেচর মেন্টেন করে। হুইচ লেয়ার এক্সটেন্স অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাটোস্ফিয়ার অপ টু এ হাইট অফ অ্যাবাউট 80 কিলোমিটার, 80 কিলোমিটার পর্যন্ত দ্যাট ইজ আপনার মেসোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার 80 কিলোমিটার পর্যন্ত ব্যাপ্ত। কেউ লেয়ার কু কনসিডর করা যায় কোল্ডেস্ট লেয়ার ভাবে আটমোস্ফিয়ার না মেসোস্ফিয়ার কু আমি কোল্ডেস্ট লেয়ার ভাবে আমি কনসিডর করি থাকি, কেউ লেয়ার কু আমি কোল্ডেস্ট লেয়ার ভাবে কনসিডর করতে না মেসোস্ফিয়ার কু আমি কোল্ডেস্ট লেয়ার ভাবে কনসিডর করি থাকি। হুইচ লেয়ার সেপারেটস দ্য মেসোস্ফিয়ার ফ্রম দ্য লোন ট্রপোস্ফিয়ার স্ট্রাটোস্ফিয়ার মেসোস্ফিয়ার থার্মোস্ফিয়ার, এটা হচ্ছে আপনার লোনোস্ফিয়ার কোন গোটা দিয়েছে সরি আয়োনোস্ফিয়ার, আয়োনোস্ফিয়ার যেটা থার্মোস্ফিয়ার সেটা হচ্ছে আয়োনোস্ফিয়ার, আপনার কেউ লেয়ারটি সেপারেট করে থাকে মেসোস্ফিয়ার কু আয়োনোস্ফিয়ার কু দ্যাট ইজ মেসোপোজ, মেসোপোজ সেপারেট করে থাকে। হুইচ লেয়ার কন্টেন্স ইলেকট্রিক্যালি চার্জ পার্টিকল, আপনার এইটা আপনার পরীক্ষার বহু সময় আসে থাকে ইলেকট্রিক্যাল চার্জ পার্টিকল বা আয়ন কেউ লেয়ার কন্টেন্ট করে আটমোস্ফিয়ার দ্যাট ইজ আয়োনোস্ফিয়ার, সে আয়ন কন্টেন্ট করে ইলেকট্রিক্যাল চার্জ কন্টেন্ট করে। হুইচ লেয়ার ইজ লোকেটেড অ্যাবাউট দ্য মেসোস্ফিয়ার এন্ড এক্সটেন্স অফ টু অ্যাবাউট 600 কিলোমিটার, মেসোস্ফিয়ার উপরে আপনার কোণ রহিলা আয়োনোস্ফিয়ার রহিলা যেটা কি 600 কিলোমিটার পর্যন্ত ব্যাপ্ত, 600 কিলোমিটার পর্যন্ত। হুইচ লেয়ার রিফ্লেক্টস দ্য রেডিও ওয়েভস ব্যাক টু দ্য আর্থ দস মেকিং রেডিও কমিউনিকেশন পসিবল, রেডিও ওয়েভকু পুনি পৃথিবী পৃষ্ঠকু ফেরাই থাকে, এটু আপনার রেডিও ওয়েভ গলা সিয়ে পুনি রিটর্ন করিব আমার আর্থ, সেটা আপনার কেউ লেয়ারে কাম হইতা আটমোস্ফিয়ার দ্যাট ইজ আয়োনোস্ফিয়ারে কাম হইতা যেটি কি আয়ন রইতা ইলেকট্রিক্যাল চার্জ আয়ন রইতা। হুইচ লেয়ার সেপারেটস দ্য থার্মোস্ফিয়ার ফ্রম দ্য এক্সোস্ফিয়ার, কেউ লেয়ার সেপারেট করে থাকে থার্মোস্ফিয়ার কু এক্সোস্ফিয়ার দ্যাট ইজ থার্মোপোজ, থার্মোপোজ আপনার সেপারেট করে থাকে। দ্য অপর পার্ট অফ দ্য থার্মোস্ফিয়ার কন্টেন্স অনলি দ্য লাইটার গ্যাসেস, কেউ কেউ গ্যাস কু আপনার কন্টেন্ট করে থার্মোস্ফিয়ার, ট্রপোস্ফিয়ার স্ট্রাটোস্ফিয়ার মেসোস্ফিয়ার থার্মোস্ফিয়ার এক্সোস্ফিয়ার, আউট অফ এই যে থার্মোস্ফিয়ার রইলা
सी थर्मोस्फीयर आपनकर कंटेन करता है लाइटर गैस कंटेन करता है क्यों प्रकार लाइटर गैस ना हीलियम एवं हाइड्रोजन हीलियम टा होचे सबुठारु लाइट जदि मोस्ट लाइटेस्ट गैस एमंग ऑल गैसेस सब गैस भीतर होची हीलियम गैस होची सबुठारु लाइट गैस हालांकि हीलियम और हाइड्रोजन रहता है जोडा कि लाइट गैस कह जाए द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड सबुठारु बाहिर पट को कोन कह जाए दैट इज आपनकर एक्सोस्फीयर कह जाए इनर पार्ट टा ट्रोपोस्फीयर आउटर पार्ट ऑफ द एक्सोस्फीयर इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर आउटर पार्ट को कोन कह दे मैग्नेटोस्फीयर मैग्नेटोस्फीयर बोली कह जाए आउटर पार्ट को कहार ना एक्सोस्फीयर आउटर पार्ट को कोन कह जाए ना मैग्नेटोस्फीयर बोली कह जाए व्हिच गैस इन द एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब्स एंड एमिट्स रेडिएशन विदिन द थर्मल इन्फ्रारेड रेंज क्यों गैस आपनकर एटमॉस्फेयर रे जे कि अब्सॉर्ब करिथाय एवं एमिट्स करिथाय रेडिएशन विदिन द थर्मल दैट इज आपनकर ग्रीन हाउस गैस कौन करे ना ये जो गुड़िक रेडिएशन जोड़ा को कौन करता है अपन कर पृथ्वी तापमात्रा पाइला खेली ताकु रेडिएशन करी था इन्फ्रारेड रेंज रे से कौन करे ना से तापमात्रा टाकु जाबुड़ी की धरे अर्थात ताकु धरी रखे फल ग्रीन हाउस गैस बाहर कौन हुए ना फल पृथ्वीर तापमात्रा बढ़िया लगे है से ग्रीन हाउस गैस कौन करे ना आटमोस्फियर अब्जर्व करी था एवं एमिट्स करी था रेडिएशन What is the primary of greenhouse gas in the Earth's atmosphere? Greenhouse gas गुड़ी को क्यों डाकूँगा क्या ऐडा अपना मन रखिए। Water भापूर अपना मन रखें तो H2O भापूरे लाइक water, carbon dioxide, CO2, methane अपन को रखना चाहिए जो nitrous oxide अपन को NO, ozone ऐसी जीवा अपन को O3, methane ऐसी जीवा अपन को ammonia NH4 इटा ऐसी जीवा NH3 I think methane NH4 ammonia NH3 NH3 और NH4 में आपनकर कंफर्म है वाटर वेपर का आपनकर कार्बन डाइऑक्साइड ला CO2 नाइट्रस ऑक्साइड एवं ओजोन ए जो गुड़ी को रहला ये होचे सब कोन ना ग्रीन हाउस गैस ओके ग्रीन हाउस गैस इन व्हिच प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम आल्सो कंटेन गैसेस दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्यों प्लैनेट हम सोलर सिस्टम रे जे कि गैस को मध्य कंटेन करिथाय जोटा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट रो मध्य कारण साजिथाय कोटी सही ग्रह रे सही प्लानेट रे ग्रीन हाउस गैस रा कारण साथे कोडा कोडा को दैट इज आपनकर वेनस मार्स एंड टाइटन 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 होची आपनकर गुटे सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट हम कोइ परे प्राकृतिक उपग्रह वेनस मार्स एवं टाइटन टाइटन आई थिंक सटर्न सटर्न राइट सटर्न आपनकर रहूची नेचुरल आपनकर सैटेलाइट होची कार ना सटर्न प्लानेट नेचुरल सैटेलाइट होची टाइटन ओके वेनस मार्स और टाइटन आपनकर जो प्लानेट जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट मध्य पके थाए व्हिच इंक्रीजेस अर्थ एवरेज टेंपरेचर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ही भारत बा पृथ्वीर जो हरारी तापमात्रा होची ता वृद्धि होबार लागिसि दैट इज आपनकर ग्लोबल वार्मिंग जो व्हिच लेयर इज लोकेटेड विद इन द स्ट्रेटोस्फीयर अबाउट 24 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस हला कि केउ लेयर आपनकर लोकेट करा जाय जोडा कि स्ट्रेटोस्फीयर रहि थाए जोड़ा कि अर्थ सरफेस रु 24 किलोमीटर ऊपर अछि दैट इज आपनकर ओजोन लेयर ओके O3 हे जबो O2 ने O3 हो जबो व्हिच लेयर इज वेरी इंपोर्टेंट एज इट प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ केउ लेयर टी आपनकर वेरी वेरी इंपोर्टेंट दैट इज आपनकर ओजोन लेयर टी वेरी वेरी इंपोर्टेंट व्हिच लेयर फिल्टरिंग द सन्स डेंजरस अल्ट्रावायलेट लेयर को कि आपनकर फिल्टरिंग करिथाय दैट इज आपनकर ओजोन लेयर ही फिल्टरिंग करिथाय व्हिच आर डिस्ट्रॉइंग प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर किए आपनकर डिस्ट्रॉय करिथाय जो ओजोन लेयर हमर प्रोटेक्टिव हिसाब रे रहिथाय किए डिस्ट्रॉय करिथाय ना आपनकर जो अर्थ रे पोल्यूशन घटुची बा आपनकर जो केमिकल सीएफसी रहुची सीएफसी रे परिणाम अध्याय घटिले ओजोन लेयर बेसी क्षति होई थाय नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा इफ दिस प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर डिस्ट्रॉयड देन जदी एई ओजोन लेयर आपनकर डिस्ट्रॉयड हेइ जिवो ताले कोन घटिवो ना हेल्थ रिस्क रो वृद्धि घटिवो एवं एग्रीकल्चर मध्य डैमेज हबो इकोसिस्टम मध्य बाधा प्राप्त हबो तले एई जिंस आपनकर हेल्थ रिस्क डैमेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम व्हिच प्रोटोकॉल एम्ड एट फाइटिंग ग्लोबल वार्मिंग पई आपनकर केउ प्रोटोकॉल कार्य करूची दैट इज आपनकर क्योटो प्रोटोकॉल जोटा कि UNFCCC तीनटा से UNFCCC FCCC आपनकर क्योटो प्रोटोकॉल फाइट करूची ग्लोबल वार्मिंग IPCC रा पूरा नाम कोन ना इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज व्हेन टेंपरेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स इट इज कॉल्ड जतला आपनकर जो पृथ्वी रहिला
आपण बेसी टेम्परेचर कौट रही है इक्वेटर रही है शून्य डिग्री इक्वेटर ठार जिते आम नर्थ को जी इक्वेटर जिते साउथ को जी से टेम्परेचर कौन हम ना धीरे धीरे कमी कमी आस दैट इज आम से कौन कही था दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट कही था टेम्परेचर ग्रेडियंट हिट रिसीव बाय अर्थ फ्रॉम द सन इज नोन जिते जो तापमात्रा सूर्य पृथ्वी ग्रहण करे आमे कौन कही था दैट इज इन्सुलेशन कही था जो तापमात्रा सूर्य पृथ्वी ग्रहण करे कौन कहते ना इन्सुलेशन कही था इन्सुलेशन इज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ इन्सुलेशन आम क्या द्वारा मेजर कर दैट इज पाइरोनोमीटर्स पाइरोनोमीटर्स द्वारा आम इन्सुलेशन को मेजर कर पाइरोनोमीटर द प्रोपोर्शन ऑफ द सोलार रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड जो सोलार रेडिएशन रही जहाँकि कौन होता है ना किसी इन्सुलेशन द्वारा सूर्य तापमात्रा पृथ्वी किसी रिसीव करें कि से कौन करना रिफ्लेक्ट कर दे था जो रिफ्लेक्ट करता है तार अनुपात को आम कौन कही था दैट इज आम कौन कही था दैट इज आल्बेडो बोली कही था इन्सुलेशन इज हाएस्ट नियर द इन्सुलेशन टा कौट रही है पृथ्वी तापमात्रा के अधिक रिसीव कर सूर्य ना इक्वेटर पॉइंट जेहतु सूर्य तीक्षण भाव में पड़ी था सड़क भाव में पड़ी था इन्सुलेशन इज लोएस्ट नियर कौट रही ना पोल्स रही था इन्सुलेशन टा लोएस्ट रही था द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ इन्सुलेशन इज रिसीव्ड बाय व्हिच प्लेस ऑफ अर्थ सरफेस अधिक परिमाण इन्सुलेशन आपंकर होता है पृथ्वी पृष्ठ में कौट होता है दैट इज आप ट्रॉपिकल डेजर्ट जो ट्रॉपिकल अंचल जो डेजर्ट रही है से इन्सुलेशन परिमाण अधिक रही है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी रीच द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन आपंकर केते यूनिट एनर्जी पहुंची था जो एटमॉस्फेयर टॉप रे पृथ्वी ठार के परसेंट यूनिट पहुंची था दैट इज आप 100 यूनिट आप पहुंची था हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व डायरेक्टली बाय द एटमॉस्फेयर केते यूनिट आप एनर्जी अब्जर्व होता है आटमस्फियर आटमस्फियर कौन करे ना डायरेक्टली अब्जर्व करे ना 14 यूनिट को डायरेक्टली अब्जर्व करे आटमस्फियर हाउ मेनी यूनिट्स आर लॉस्ट टू स्पेस थ्रू रिफ्लेक्शन आपंकर रिफ्लेक्शन आपंकर केते यूनिट आप कौन होता है जिते बड़े आटमस्फियर पड़े आटमस्फियर मैं किसी मात्रा में रिफ्लेक्शन हो जाए केते रिफ्लेक्शन हो जाए दैट इज आप 35 यूनिट अर्थात ये 14 नाला ये 35 नाला जहाँ फल गला आस ये 35-14 के दैट इज आपर 49 ही हो बढ़ला के आपन बढ़ला 51 यूनिट आप पृथ्वी सरफेस को आसी थाए ओके द हिटेड सरफेस ऑफ द अर्थ स्टार्ट्स रेडिएटिंग एनर्जी इन द रेम ऑफ लॉन्ग वेव्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जो पृथ्वी जो तापमात्रा रिसीव करे इन्सुलेशन द्वारा ताकु से रिफ्लेक्ट करता है दैट इज आपर से कौन कहते दैट इज आपर टेरिस्ट्रियल रेडिएशन क्या जाए द हिटेड सरफेस ऑफ द अर्थ स्टार्ट्स रेडिएटिंग एनर्जी इन द ऑफ लॉन्ग वेव्स एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड जो लॉन्ग वेव जो रेडिएटिंग करता है एनर्जी को टेरिस्ट्रियल रेडिएशन क्या जाए व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आम क्या कह वायुमंडलीय चाप उड़िया वायुमंडलीय चाप आम क्या कह द प्रेशर जहाँ होता है गोटे निर्दिष्ट एरिया वायु निजर ओजन निजर मास रे निजर वेट रे जो कौन करे ना पृथ्वी पर जो चाप पकई था दैट इज आप कौन कही था एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोली कही था अर्थात द प्रेशर ऑफ एयर एयर प्रेशर टाक आम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोली कही था व्हेन एयर रेजेस एयर केते बेले वृद्धि होता है इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड इट्स प्रेशर डिक्रीजेस अर्थात एयर वॉल्यूम टा जति काले बढ़ी एवं प्रेशर टा जति काले डिक्रीज कमी जीव अर्थात चाप कम ताप बढ़ यार अल्टरनेटिव रहा टेम्परेचर जिते बड़े आपण बढ़ टेम्परेचर कौन हम बढ़ प्रेशर कौन हो कमी प्रेशर सब बड़े कमी अर्थात प्रेशर जिते बढ़ टेम्परेचर कमी ओके ये हूँ मानते कौन होता है प्रतिलोमानुपाति रही है द प्रेशर ऑफ एयर राइजेस केतबेले एयर होता है इट्स टेम्परेचर फॉल जिते टेम्परेचर आप कमी से प्रेशर टा कौन हम बढ़ ओके लो टेम्परेचर एट द पोल्स कॉज द एयर टू कंट्राक्ट ये कौन हम जो टेम्परेचर आप पोल्स कौन होता है लो रही है ओके लो रही है प्रेशर टा कौन हम हाई रोक द हाई टेम्परेचर एलंग द इक्वेटर कॉजेस द एयर टू एक्सपायर से कौन हम लो प्रेशर रोक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को आम कौन कही था दैट इज आम हॉर्स लैटिट्यूड कह जाए हाई प्रेशर बेल्ट को कौन कहते हॉर्स लैटिट्यूड कह जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द स्लोप ऑफ प्रेशर फ्रॉम हाई टू लो इज कॉल्ड स्लोप ऑफ प्रेशर हाई टू लो हेले आमे कोन कहबा प्रेशर ग्रेडियंट बोली कहबा माने अधिक रु कमुची ग्रेडियंट बोली कहि थांदे प्रेशर ग्रेडियंट इज कॉल्ड कोन कह जाए दैट इज बारोमेट्रिक स्लोप बोली मथ कह जाए एति रही आज वीडियो आम डिस्कशन करवा नेक्स्ट क्लास को आम बाकी जहाँ भी कंटेन्ट रही 113 पेज रही बर्तमान सुधा
आम 59 पेज आम कंप्लीट करी आहुरी ढेर गुड़े पेज रही वर्ल्ड ज्योग्राफी रिलेटेड सेगुड़क आम कंप्लीट करवा तेणु भिडियो सहित आम जोड़ी रुंतु और जदि आप पीडीएफ चाहते निश्चित भाव में आम पीडीएफ पेज जॉइन करूँ आपको ह्वाट्सअप मध्यम आपको पीडीएफ दे दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।